ग्रुप्स आपको बता दिए थे है ना, आप कंबाइंड करके बता रहे हैं, कुछ आपको एग्जांपल्स करवा रहे हैं जिससे आपको आइडिया लग जाए कि कहाँ पे किसको प्रायोरिटी देनी है, कहाँ पे किसको प्रायोरिटी नहीं देनी है, छोड़ देना है किसको। ठीक है, तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो आपके पास है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन कार्बन से बना हुआ कंपाउंड होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए, रिंग वाला होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ रूल्स है, एक रूल है उसको याद रखिए, उसमें प्रायोरिटी दी जाती है मल्टीपल बॉन्ड को। किसको प्रायोरिटी देंगे हम लोग? मल्टीपल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जिधर से पहले आएगा पहले उधर से काउंटिंग होगी। फिर उसके बाद अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो सेकेंड प्रायोरिटी पे कौन रहता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको मिलेंगे उसको आप लंबी चेन सेलेक्ट करोगे। फिर थर्ड प्रायोरिटी पे इसमें होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। काउंटिंग करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि किधर से सब्स्टिट्यूएंट का नंबर आपको ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, जैसे मान लो किसी कोई चेन हम काउंट कर रहे हैं और किसी साइड से काउंट करने पे आपको दो बड़े बड़े सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। ठीक है, बट अदर साइड से काउंट करने पे उतने ही कार्बन की चेन मिल रही है लेकिन तीन सब्स्टिट्यूएंट मिल गए छोटे छोटे, तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे? जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होगा। फिर उसके बाद आपका लास्ट प्रायोरिटी में आता है नियरेस्ट लोकेंट, मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं वो किसमें छोटी पोजीशन पे आ रहे हैं। मान लो किसी में सब्स्टिट्यूएंट 3 और 3 और 5 पे आ रहे हैं और किसी में सब्स्टिट्यूएंट आपका आता है 4 और 7 पे, तो 3 और 5 वाले में आपका वो लोएस्ट लोकेंट रूल बताया था ना, 3 5 हो जाएगा आपका क्या, प्लस करके 8 हो जाएगा, और अगर 4 और 7 करते हो तो प्लस करके कितना हो जाएगा? 11। तो जहां से लोएस्ट नंबर मिलेगा वो प्रायोरिटी पे हम लोग लेंगे। उसके बाद लास्ट प्रायोरिटी में देखते हैं, अगर ये सब कुछ सेम है तो लास्ट प्रायोरिटी में देखते हैं अल्फाबेट। ठीक है, तो कोई ग्रुप अगर अरेंज है, मान लो ब्रोमीन क्लोरीन और फ्लोरीन अरेंज है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, देख लेंगे कि अल्फाबेट में कौन पहले आ रहा है उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। फिर उसके बाद अगर मान लो ये सारे के सारे फैक्टर सेम है, मतलब इसमें कुछ चेंज नहीं है, दो स्ट्रक्चर है, ये सारे के सारे फैक्टर्स आपके सेम है, मान लो कि कार्बन का नंबर भी सेम है, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन भी सेम है, आपके सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है या सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो उस समय हम क्या देखते हैं? अगर सारी सिचुएशन सेम हो, दो स्ट्रक्चर सारी सिचुएशन में सेम हो, दो स्ट्रक्चर ज्वाइंट है और सारी सिचुएशन में सेम है, तो हमें प्रायोरिटी देनी पड़ती है साइक्लिक को रादर देन ए साइक्लिक। प्रायोरिटी किसको देंगे? साइक्लिक को, मतलब सब्स्टिट्यूएंट किसको बनाएंगे? स्ट्रेट चेन वाले को, और मेन ग्रुप किसको काउंट करेंगे? साइक्लिक वाले को। ठीक है, इसके एग्जांपल भी करा देते हैं तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के लिए रूल है, और जिसमें कई फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके लिए डिफरेंट रूल है कि आप सीनियर फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी दो। फिर उसके बाद मान लो कि फंक्शनल ग्रुप CN CN दो जगह पे अटैच है, ठीक है, तो आपके अगर फंक्शनल ग्रुप दो अटैच हैं, तीन अटैच हैं, तो आपको उस तरीके से कार्बन को सेलेक्ट करना है, कोशिश करनी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आपके उस चेन में आ जाए। फिर उसके बाद इसमें आता है सेकेंड प्रायोरिटी पे, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दूसरे हैं वहाँ पे सेकेंड प्रायोरिटी पे मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा। केवल जो हाइड्रोजन और कार्बन के साइक्लिक कंपाउंड थे वहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड पहली प्रायोरिटी पे आया था, और जहाँ पे कोई और फंक्शनल ग्रुप है, साइक्लिक की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल कंपाउंड की बात हो रही है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? मल्टीपल बॉन्ड तीसरी प्रायोरिटी पे आता है। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, सबसे लंबी चेन लेनी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकेंट्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट जहाँ पे ज़्यादा हो, फिर लोएस्ट लोकेंट रूल, अगर सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हैं तो कहाँ पे आपका जो नंबरिंग का एडक्ट है वो कम आ रहा है, फिर इसमें भी लास्ट में क्या आएगा? अल्फा बेट। ठीक है, तो एग्जांपल्स कर लेते कुछ। क्या
अब तो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर है जो प्रैक्टिस कराने हैं, दो स्लाइड ये रूल की है, बाकी स्ट्रक्चर जो प्रैक्टिस कराने हैं। किसके? इसके बहुत हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो नेमिंग शुरू हुई है। ये जीओसी नहीं है, ये जीओसी के अंदर मैंने डाल दिया, एक ही टॉपिक एक ही नाम में चला दूंगी सब कुछ, लेकिन ये जीओसी नहीं है एग्जैक्टली। जीओसी में तो रिएक्शन कैसे हो रही है, मैकेनिज्म वगैरह रहता है बेसिकली, ठीक है। ये तो केवल आप क्या पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग, नेम कैसे करना है आपको। नहीं बेवकूफ नहीं बन रहे हैं, क्वेश्चन आता है इससे भी, बेवकूफ नहीं बन रहे हैं। अब आप ऐसा भी ना सोचें, गजब है भाई। अब देखो ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, देख पा रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन में आपको क्या करना है, कार्बन चेन देखनी है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, उसके हिसाब से आपको नाम लिखना है, और नाम में क्या लिखना है, साइक्लो लगा देना है पहले। तो यहाँ पे जो फर्स्ट का ये वाला कंपाउंड है 18 नंबर पे लिखा हुआ है, इसका नाम क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, तीन कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, साइक्लो प्रोपेन। कोई दिक्कत किसी को? ऑनलाइन वाले वॉइस क्लियर है? अब ये भी सिंपल है बिल्कुल, चार कार्बन दिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा नाम, साइक्लो ब्यूटेन, ये वाला साइक्लो पेंटेन, ये वाला क्या हो जाएगा, छह कार्बन दिख रहे हैं, कितने कार्बन है, सिक्स है, 1 2 3 4 5 6, तो साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। अब यहां पे देखो तीन कार्बन पे आ गया, 22 वाले में तीन कार्बन के ऊपर एक ये मिथाइल ग्रुप आ गया, एक लाइन है, मतलब क्या है, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अगर इसको स्ट्रक्चर को बनाओ तो ऐसे बना सकते हो आप, ये स्ट्रक्चर है, CH2 CH2 CH, और CH के ऊपर क्या लगा हुआ है, CH3, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर बनाए या ये बनाए, बात एक ही है, इसका नाम लिखना है, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन में कार्बन ज्यादा है या साइकिल में कार्बन ज्यादा है, ये स्ट्रेट चेन है केवल और ये साइकिल है। हाँ तुम इसमें पढ़ रहे थे, अच्छा ये वाले में 22 में यहाँ पे तीन कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है मिथाइल, ठीक है, एक ही कार्बन है मिथाइल, तो इसको सब्स्टिट्यूट बना देंगे और इसको क्या बोलेंगे, मेन कंपाउंड बोल देंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट अगर बनाओगे तो इसको लिख दोगे 1-methyl cyclopropane या मिथाइल साइक्लोप्रोपेन लिख सकते हैं, लिखते जाइए नाम, स्ट्रक्चर बनाते जाइए, नेमिंग में जब तक अपना हाथ नहीं चलाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी, बनाते जाइए लिखते जाइए। लिख रहे हैं, पलक लिखिए, कोई बात नहीं, वो दो रूल वाली स्लाइड छूटी है, बाकी आप स्ट्रक्चर बनाइए और लिखिए। अगला स्ट्रक्चर, नहीं, अभी और भी है, तो इसको पहले लिख लो तुम अपने नंबर पे, अपने अकॉर्डिंग नंबर डाल लो। हाँ 1 to 17 वाले बाद में बताने वाले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है दूसरे वाले में, 1 2 3 तो रिंग में है और 1 2 3 बाहर है, तो क्या लिखें, किसको प्रायोरिटी दें, दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो क्या करें, दोनों इक्वल हैं तो साइकिल को प्रायोरिटी दे देते हैं, यानी कि नाम लिखना है साइक्लोप्रोपेन, और यहाँ पे क्या बन गया, 1 2 3 प्रोपाइल आ गया, प्रोपाइल ग्रुप आ गया, तो क्या लिखें, 1 प्रोपाइल
साइक्लो प्रोपेन। इसके लिए प्रोपाइल लिखा है ना, जो सब्सिट्यूएंट है उसको एल्काइल लिखना पड़ेगा, और जो मेन मान रहे हैं जिसको, उसको हम क्या लिखेंगे, एल्केन। ट्वेंटी फोर को देखो, 24 में कितने कार्बन दिखते हैं, रिंग में तो तीन ही दिख रहे हैं। रिंग में तो आपको कितने दिख रहे हैं, वन टू थ्री, और यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं, वन टू थ्री फोर। तो भाई अभी स्ट्रेट चेन वाला बड़ा हो गया ना, तो कार्बन चेन को तो पहले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको साइक्लोप्रोपाइल लिखना पड़ेगा, है ना। हाँ, और इसको क्या लिखना पड़ेगा, ब्यूटेन। अब की बार हमने प्रायोरिटी किसको दे दी, स्ट्रेट चेन वाले को, कार्बन ज्यादा होगा इसलिए, तो इसका नाम तो लिख दिया ब्यूटेन। और ब्यूटेन की इस पोजीशन को वन मानोगे अगर, तो इस पे अटैच है ये पूरा ग्रुप साइक्लोप्रोपाइल, ये वाला। तो आप लिखोगे वन साइक्लोप्रोपाइल। हाँ, इसमें साइक्लिक बन गया क्योंकि उधर चार कार्बन हो गए। जब इक्वल थे तब हमने क्या किया था, जब इक्वल थे तो साइक्लिक को लिख दिया था प्रोपेन, है ना। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक दो कार्बन तो यहाँ बाहर है, और यहाँ पे कितने कार्बन है, एक दो तीन, ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखें, इसको तो साइक्लोप्रोपेन लिखना पड़ेगा क्योंकि तीन कार्बन है, लेकिन उधर दो कार्बन के साथ क्या अटैच है, एक क्लोरीन भी अटैच है, ठीक है। तो देखो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं उसको हम बोलते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर भी सब्स्टिट्यूएंट लग गया। क्या लग गया, सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर क्या लग गया, सब्स्टिट्यूएंट। देखो ध्यान से देखो, इसकी जरूरत पड़ती है बार बार। ये कंपाउंड है अपना, है ना, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, CH2 CH2 Cl, ये लग गया, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया, मेन मान लिया कंपाउंड, क्योंकि इसमें कितने कार्बन थे, थ्री कार्बन थे, ठीक। इसके ऊपर दो कार्बन की चेन लगी हुई है, ठीक है। अगर ये इथाइल होता तो इथाइल को हम लिखते हैं CH2CH3। इथाइल को क्या लिखते हैं, CH2CH3, इथाइल जुड़ा होता तो ये लगता। अब इथाइल के एक हाइड्रोजन को हटा करके वहां पे क्या लगा दिया गया, क्लोरीन। ये एक सब्स्टिट्यूएंट होता अगर क्लोरीन नहीं होता तो। अब क्या किया गया, इसके एक हाइड्रोजन को हटा दिया गया और यहाँ पे क्या लगा दिया गया, Cl। मतलब ये तो एक सब्स्टिट्यूएंट था, वो पहले चेन पे लगा, फिर उस सब्स्टिट्यूएंट पे भी सब्स्टिट्यूएंट लग गया, ठीक है। तो जब ऐसे सब्स्टिट्यूएंट पे सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है, यहाँ पे क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट ऑन सब्स्टिट्यूएंट। जब ऐसा आ जाता है तो क्या करते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो लिखेंगे, लेकिन वहां पे क्या करेंगे हम लोग कि वहां पे इसका जो नाम होगा उसको थोड़ा सा ब्रैकेट में करके लिख देंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। कैसे, देखो अगर हम वैसे नॉर्मल बात करते तो हम क्या लिखते हैं, इसको साइक्लोप्रोपेन लिख दिया वो वाले को, है ना, और इसको हम क्या लिख देते, इथाइल लिख देते अगर क्लोरीन नहीं होता तो, ठीक। जहां से चेन अटैच थे ये वाली चीज अटैच होगी, जहां से रिंग और चेन अटैच होंगे उस पोजीशन को वन पोजीशन दिया जाता है, उस पोजीशन को क्या बोलते हैं, वन। तो जहां से रिंग और चेन अटैच है उसको अगर तुम वन पोजीशन दे रहे हो तो इसको भी काउंट करना पड़ेगा, ये अलग चेन बन गई, ये अलग चेन बन गई, ठीक। इसकी काउंटिंग में जो स्ट्रेट चेन जुड़ी हुई है, इसकी काउंटिंग में काउंटिंग यहां से करेंगे, ठीक।
इसकी सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो। तो यहां पे लिखेंगे ऐसे, टू क्लोरो, टू क्लोरो इथाइल, और इसको कर देंगे ऐसे ब्रैकेट में। ब्रैकेट में करने का मतलब समझ रहे हैं? ब्रैकेट में करने का मतलब यह है कि इथाइल सब्स्टिट्यूएंट था, उसके ऊपर दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, कौन सा? क्लोरो। और कौन सी पोजीशन पे लगा है? टू पे, टू क्लोरो इथाइल, और मेन नाम क्या था? साइक्लो प्रोपेन। सबको क्लियर है बात? ऑनलाइन अब देखो, नेक्स्ट देखो, इस पेज पे यही था। तो इसका नाम क्या लिख दिया हमने? टू क्लोरो इथाइल ब्रैकेट में साइक्लो प्रोपेन, ठीक है। अब इसी तरीके के रूल को फॉलो करते हुए इसको लिखो, 26 को कोशिश करो। सॉरी सॉरी सॉरी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तो साइक्लोप्रोपेन होना ही है, जो कार्बन यहाँ से अटैच है उसको वन काउंट करना था ना, तो इसको वन काउंट कर दिया। वन पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो वन क्लोरो इथाइल साइक्लो प्रोपेन। कोई दिक्कत किसी को? नहीं है तो 27 का डालो। ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, फिर से मैं बार बार कह रही हूं। हाँ हाँ ऑनलाइन में बताएं लोग नाम। अच्छा, दोनों इक्वल हो गए तो किसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए? देखो ध्यान से देखो, ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं बता पा रहे हैं ऑनलाइन। हेलो हेलो, मैम 27 का आएगा, हाँ 27 का ही पूछ रहे हैं। 3 क्लोरो प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। क्या? हाँ देखो देखो, ध्यान से देखो, लिखना मत। लिखने के लिए कौन कह रहा है? देखो, ये भी 3 कार्बन का दिख रहा है
और ये भी क्या दिख रहा है, तीन कार्बन का, दोनों के दोनों तीन कार्बन के दिख रहे हैं, है ना। लेकिन ये जब यही दोनों होते तब मिलती प्रायोरिटी किसको, साइक्लिक को, जो स्ट्रेट चेन है उसमें एक एडिशनल पॉइंट आके ऐड हो गया, कौन, सब्स्टिट्यूएंट। स्ट्रेट चेन वाले में कौन आ गया, सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो वो उसके लिए क्या बन गया, एडिशनल पॉइंट। तो अब इसको ना मेन मान के हम किसको मेन मानेंगे, इसको, तो इसका मतलब नाम क्या लिखना है, प्रोपेन लिखना है, और इसको बनाना है सब्स्टिट्यूएंट। अब इस केस में ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट, और ये क्या बन गया, मेन। तो जो चीज मेन चेन बन गई, अब उसका नाम लिखना है कैसे, उसको लिखेंगे एन लगा करके, और जो चीज सब्स्टिट्यूएंट बन गई उसको एल्काइल लिखेंगे, है ना, वाई एल लगा करके। तो ये बन गया अब साइक्लोप्रोपाइल, और ये क्या बन गया, प्रोपेन, ठीक है। तो अब नाम कैसे लिखे, अब काउंटिंग किधर से करें, पहले तो हम काउंटिंग कहाँ से कर रहे थे, जब इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा था, इसको मेन मान रहे थे, इसको सब्स्टिट्यूएंट मान रहे थे, तो काउंटिंग यहाँ से होती, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको सब्स्टिट्यूएंट माना और इसको मेन माना, इसको सब्स्टिट्यूएंट और इसको क्या मान रहे हैं, हम मेन मान रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ये किससे स्टार्ट होता है, प्रोपाइल है, पी से स्टार्ट होगा, और ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है ये किससे स्टार्ट होगा, सी से, क्लोरो। तो काउंटिंग कहाँ से करें, अल्फाबेट भी देख लिया, इसमें एक ही में कई सारे रूल लग गए, अल्फाबेट भी लग गया, ये तीनों, ये दोनों इक्वल थे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया, इसलिए इसको प्रायोरिटी मिल गई, ठीक है। तो कहाँ से काउंटिंग करनी है, यानी कि थ्री पे लग गया साइक्लोप्रोपाइल, वन पे लग गया क्या, क्लोरो, और ये क्या बन गया, प्रोपेन, ठीक है। तो लिखे नाम, थ्री साइक्लो प्रोपाइल वन क्लोरो प्रोपेन, ब्रैकेट किस पे लगाना है, नहीं इसमें सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं सीधे सीधे, इस मेन चेन के ऊपर एक इधर सब्स्टिट्यूएंट है, एक इधर सब्स्टिट्यूएंट है। देखो ये तीन कार्बन थे, ये तीन कार्बन थे, ठीक, इसके साथ एक एडिशनल सब्स्टिट्यूएंट आ गया, इसलिए इसको प्रायोरिटी मिल गई। तो यानी कि इसके साथ तो लगाना है एन और इसको प्रोपाइल लिखना है, ठीक। ये साइक्लोप्रोपाइल है तो साइक्लोप्रोपाइल लिखेंगे, ये प्रोपेन है तो प्रोपेन लिखेंगे। अब मेन दूसरी बात आई कि काउंटिंग किधर से करें, ये मेन चेन है कार्बन की, इसको मेन माना है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये, दो सब्स्टिट्यूएंट है, तो इधर से भी काउंटिंग कर सकते, वंश इधर से भी काउंटिंग कर सकते थे और इधर से भी कर सकते थे। तो प्रायोरिटी किसको दे भाई, इधर तीन कार्बन की चेन मतलब रिंग लगी हुई है और इधर कौन लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है, तीन कार्बन को हम लोग प्रोपाइल बोलते हैं, तो पी से स्टार्ट होता है, साइक्लो से नहीं देखेंगे, साइक्लो तो सभी में आएगा, जो भी साइक्लो होगा पी से देखेंगे, ये प्रोपाइल है और ये क्या है, क्लोरो है। तो अल्फाबेट में अगर हम लोग देखें तो क्लोरो पहले आएगा, प्रोपाइल बाद में आएगा, इसलिए काउंटिंग इधर से कर दी, 1 2 3 कर दी। तो थ्री पे साइक्लोप्रोपाइल लग गया और आपका ये किस पे हो गया, वन पे आ गया क्लोरो, और इसको पहले लिख भी दो, लिखने में भी अल्फाबेट फॉलो करते हैं ना, तो साइक्लोप्रोपाइल को बाद में ही लिखेंगे, क्लोरो को पहले लिखेंगे, लिखने में भी तो अल्फाबेट फॉलो करना है। वन क्लोरो, थ्री साइक्लोप्रोपाइल, प्रोपेन, ठीक है। वंश क्या कर रहे हो, हाँ काउंटिंग में भी देखना पड़ता है, इसमें जैसे देखना पड़ा।
नेक्स्ट 28 ट्राई कीजिए सब लोग। ट्वेंटी एट का नाम बताइए। 28 का नाम ठीक है। दोनों चीजें क्या हो गई, इस कार्बन चेन के ऊपर ही आ गई एक ही पोजीशन पे दोनों, तो एक ही पोजीशन पे आ गई तो क्या हो गया, वन टू थ्री, वन पे ही आ गया सब। क्लोरो पहले लिखेंगे, वन क्लोरो, वन साइक्लोप्रोपाइल और प्रोपेन, ठीक है। ट्वेंटी नाइन पे आ जाइए, ब्रैकेट नहीं लगाया, सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है। हाँ अभी ये बताओ, चलो ऊपर तीन कार्बन नीचे तीन कार्बन। सब लोग लिखो 29 का नाम लिखो सब लोग। पेंसिल नहीं है तुम लोग के पास, पेंसिल से लिखा करो पहले, बार बार काटना पड़ रहा है ना आपको। सोचो किसको दोगे प्रायोरिटी। किसको दें प्रायोरिटी, रिंग को दें या स्ट्रेट को दें? इसमें वही बात उल्टी हो गई ना, इसमें इसका जस्ट अपोजिट केस है ये। यहाँ पे क्लोरीन स्ट्रेट चेन पे था, यहाँ पे क्लोरीन किस पे आ गया, रिंग पे, तो प्रायोरिटी किसको दें? इसको देनी पड़ेगी, इसको बना दिया मेन। अब इसको मेन बना दिया तो इस पे एक प्रोपाइल लगा हुआ और एक क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, तो सी पहले आता है, तो नंबरिंग कहाँ से करें, सी से। तो इस पोजीशन को वन बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, टू बोल दिया, इस पोजीशन को थ्री बोल दिया। तो वन पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो, टू पे क्या लगा हुआ है, प्रोपाइल है ना, और साइक्लोप्रोपेन तो आ ही जाएगा, जो मेन माना है उसके लिए तो एन आना है ना प्रोपेन। जी मैक्सिमम केस में फॉलो ही होगा। जी 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 साइक्लो का सी नहीं लेंगे। हर्ष क्या कर रहे हो इतनी देर से तुम, हर्ष वंस, चलो नेक्स्ट ट्राई करिए। 30 30 कहाँ से नाम, कहाँ से काउंटिंग करें, फिर से उद्धव गलत है, फिर से बाकी अब कोई और बोलेगा, पलक बोल रही है, चलिए बोलिए, फिर से बोलिए, उसका गलत है, आप अपना बोलो। तो बोलो, तो पूरा नाम बोलो,
सोचो कैसे करें कि ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिले। हाँ कैसे काउंटिंग करें कि ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिले, कैसे? देखो बोर्ड पे देखो, अगर ब्रोमीन को प्रायोरिटाइज करके नंबरिंग करते करें। हाँ तो बता रहे ना, सुनो, वन है। हाँ तो ऐसे कैसे कर दी, ऐसे कर दी तुमने, एक तरफ से ही चलना है जिस तरफ से। हाँ और किसी को कोई आइडिया है, ऑनलाइन वाले भी बता दें। देखो क्लास, देखो ध्यान से, वैसे हम अल्फाबेट को फॉलो करते तो बी सी फिर एफ आता फिर आई आता है ना, तो काउंटिंग क्या हो जाएगी, ऐसे ऐसे जिगजैग हो जाएगी, वो नहीं करते हैं काउंटिंग, है ना। अल्फाबेट तो फॉलो होता है, बात आपकी सही है, अल्फाबेट तो फॉलो होता है, लेकिन जो काउंटिंग होती है वो एक कंटिन्यूएशन में होती है ना। चेन का मतलब क्या होता है, चेन का मतलब क्या होता है कि भाई एक लाइन से आपको लेना, ऑलमोस्ट फॉलो होता है, इसीलिए बोला था ना कहाँ पे क्या फॉलो होगा, इसलिए ही थोड़ा सा इसमें रूल्स में ध्यान देना है। अब देखो कैसे होगा, ध्यान से देखो, अभी लिखना मत कोई, है ना, एक बार गलत बता रही हूँ फिर सही बताऊंगी। जैसे मान लो अगर हम ब्रोमीन को ले लेते वन पे, ठीक है, और हम बोले इधर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है तो इधर से काउंटिंग कर दें, 1 2 3 4 5 6। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट किस किस नंबर पे आ गए, वन पे आ गया, टू पे आ गया, थ्री पे आ गया और सिक्स पे आ गया, टोटल कितना हुआ, 12 आ गया टोटल, ठीक है। अगर हम काउंटिंग इधर से कर दें, देखो एक और काउंटिंग का तरीका हो सकता है, यहां से कर लो, ब्रोमीन से अभी हमने की थी ना, ब्रोमीन से अगर लेफ्ट में करोगे तो और ज्यादा नंबर आ जाएगा, ब्रोमीन से अभी हमने यहां की थी, अगर इधर से करोगे तो और नंबर आ जाएगा ना, अगर इधर से करोगे। कितना आ जाएगा, वन पे, टू पे और किस पे आ गया, फाइव पे और सिक्स पे, ठीक है, 14 आ गया, ठीक है। एक और चीज मिल सकती है अपने को, अल्फाबेट को थोड़ा सा अपने हिसाब से क्या कर लें, मैनिपुलेशन कर लें, एडजस्ट कर रहे हैं। क्यों एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये दिख रहा है कि चेन में एक तरफ से चार के चार कार्बन पे ग्रुप लगे हुए हैं, देख रहे हो, फायदा दिख रहा है हमें, कैसा फायदा दिख रहा है कि अगर हम यहां से काउंटिंग करते हैं तो हमें सीधे सीधे चारों पे मिल जाएगा, यस और नो, टोटल क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो हो जाएगा। अल्फाबेट की क्या कर दी, धज्जियां उड़ गई इसमें, थोड़ा सा उड़ गई, थोड़ा सा नहीं पूरी उड़ गई। ब्रोमीन को किस पे रख दिया हमने, टू पे रख दिया, क्यों प्रायोरिटाइज किया, क्योंकि इधर से करने पे नंबरिंग क्या आ रही थी, कहीं 12 आ रही थी कहीं 14 आ रही थी, और हमने देखा कि सिक्स कार्बन की रिंग है और अटैच है, कैसे ग्रुप लगातार ग्रुप अटैच है, इधर से ले रहे हो तो डिस्टेंस पड़ रही है, इधर से ले रहे हो तो भी एक ग्रुप डिस्टेंस पे आ जा रहा है, अगर ब्रोमीन से शुरू करते हो तो एक दो तीन तो कंटिन्यूएशन में मिल रहे हैं लेकिन ये डिस्टेंस पे मिल जा रहा है, ठीक है, इधर से करोगे तो और भी डिस्टेंस हो जाएगी। तो हमने क्या किया कि यहाँ को फर्स्ट मानते हुए 2 3 4, ठीक है, तो ये होगा आपका क्या, राइट वे ऑफ काउंटिंग। अब नाम लिख लो इसका, अब तो लिख लोगे, अब किसको लिखोगे पहले,
नंबरिंग किसी की भी कोई हो, लिखते वक्त किसको पहले लिखना है? अल्फाबेट से लिख दो, अल्फाबेट से भाई। टू ब्रोमो, वन क्लोरो, थ्री फ्लोरो, फोर आयडो, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, यही लिखा था। वेरी गुड, स्टार्टिंग में यही सोचा था, फिर रूल से डिस्ट्रैक्ट हो गए। हाँ, हो जाता है, इट हैपेंस। हाँ, 31st को बोलो। हाँ, टू साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन। इसमें कैसे दे रहे हो प्रायोरिटी? कहाँ चाह रहे हैं? 31 की बात हो रही, 31, 31 की बात हो रही है। अब 31 ऑनलाइन वाले बताइए जरा, ऑनलाइन में कौन कौन है? मानवेंद्र, मानवेंद्र नहीं है, टू साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन। अच्छा, पहला प्रश्न ये है, पहला क्वेश्चन ये जाता है आपको कि किसको मेन मान रहे हो। पहला सवाल ये है, साइक्लो को मेन। हाँ भूवी बोलो, रिंग को मेन मानेंगे क्यों भैया, ये बता दीजिए। जब सेम होते हैं तो साइक्लो को प्रायोरिटी देते हैं। अच्छा, सही है। वंश कह रहा है गलत है। देखो ध्यान से देखो, पहले सुनो सुनो सुनो, ध्यान से देखो। अभी थोड़े देर पहले हमने एक स्ट्रक्चर ये देखा था, देखा था पक्का। ये 3 कार्बन का था और ये 1 2 3 कार्बन का था। ठीक है, इन दोनों में हमने बोला दोनों सेम है तो रिंग को प्रायोरिटी दे दो, रिंग को मेन मान लो, इसको साइक्लोप्रोपाइल, इसको प्रोपाइल लिख लो, इसको साइक्लोप्रोपेन लिख लो, ये बताया था। ठीक, इतना पॉइंट समझ में आता है। चेन में भी ऐसा नहीं है कि आप कार्बन काउंट कर लीजिए कैसे भी, स्ट्रेट चेन मिलनी चाहिए। कैसी चेन मिलनी चाहिए? स्ट्रेट चेन मिलनी चाहिए। यहां पे अगर ये तो 3 कार्बन है, दिख रहा है सीधे सीधे? ठीक, इसमें चेन कहाँ मिल रही है ये देखो, 1 2, 2 कार्बन की चेन है, उसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ। ये वो बात नहीं है, ये वाली बात नहीं है। ये तो स्ट्रेट चेन थी, 1 2 3 की स्ट्रेट चेन थी और 3 का क्या था? रिंग था, तो रिंग को प्रायोरिटी दे दी। यहाँ पे 3 की स्ट्रेट चेन नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेट चेन जब काउंट करेंगे तो 1 2 2 की मिलेगी। एक ये मिथाइल बन गया, ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे जो चेन हुई वो कितने की हुई? 2 की हुई। यहाँ पे जो रिंग है वो कितने की है? 3 की है। तो ऑब्वियसली कौन विनर है? आप वैसे भी इसको कह रहे थे लेकिन रीजन आप गलत बता रहे थे। रीजन ये है कि यहाँ पे चेन जो है वो 2 कार्बन की है, इसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। यहाँ पे चेन कितने का, मतलब वो कितने का है? 3 का है। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे? मेन मान लेंगे। अब एक को मान लिया मेन,
तो उसका नाम तो आ जाएगा साइक्लोप्रोपेन, है ना। इसको क्या बोल दिया, मेन, तो इसका नाम तो आ गया साइक्लोप्रोपेन। अब ये तो है इथाइल, ये तो है इथाइल, और इथाइल की वन पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, तो क्या बोले, या वन ना भी लिखें तो भी चलेगा, मिथाइल इथाइल साइक्लोप्रोपेन भी चलेगा, मिथाइल इथाइल साइक्लो प्रोपेन ये भी चलेगा। हर तरफ से काउंटिंग करके देख ली है, फायदा ठीक है। ये वाला 31 वाला क्लियर है सबको, ऑनलाइन में भूमि वेरोनिका आप लोग को क्या हुआ है आज, हाँ आवाज नहीं दे रहे आप लोग। चलो 32 ट्राई करो, 32 32 पे आ जाइए। थर्टी टू को बताइए, 32 को बताइए, 32 पहले बताइए। अरे इसको बता, मैं इसको पूछ रही हूँ, आप क्यों ब्रोमो को टू क्यों कर रहे हो, आप क्या फायदा मिल रहा है, ब्रोमो को आप वन दे दो ना, आप तो कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है क्लास, अब क्या कॉम्प्लिकेशन है, ब्रोमीन को वन दे दो और आयोडीन की तरफ से इधर से आ जाओ, इधर से आयोडीन दूर पड़ेगा और इधर से अगर चलोगे तो क्लोरीन और आयोडीन सब दूर हो जाएंगे, इधर से चलो 1 2 3 4 पे आ गया। सही था ना, हाँ प्रांजलि ने भी बताया था सही, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, आयडो को वही पोजीशन मिली, 4 आयडो साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। चलो 33, 33 33 33 33 33 33 33 मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे दो, हाँ ध्यान से देखो सेकंड पे कहाँ से क्लोरो आ रहा है, डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना होता है, पूरा लेना होता है, हाँ ये ऐसा नहीं करते कि एक यहां से, क्लास 33 में देखिए ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड को टच करते हुए निकल जाइए, 1 2 कर दिया ऐसे, अगर यहां करेंगे तो डबल बॉन्ड आपने इंक्लूड कहाँ किया, इसको टच करते हुए आप इधर से निकल लिए, आपको क्या करना है डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है, इंक्लूड करने का मतलब जहां से शुरू हो रहा है वहां से। कई लोग बोल रहे थे 2 क्लोरो, है ना बोल रहे थे ना, हाँ तो 2 क्लोरो नहीं आएगा, क्या आएगा, 3 क्लोरो साइक्लो हेक्सीन। इनकी पोजीशन क्यों नहीं बताई,
क्योंकि इन तो वन पे ही है ना, इन तो वन पे ही है। नहीं, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी, फिर सब्स्टिट्यूएंट आता है। जहां पे आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आए दिखे किसी भी स्ट्रक्चर में, आपको आपकी आंखें चमक जानी चाहिए। ठीक है, चमकने का मतलब है कि प्रायोरिटी देनी है। अंशुल ने एक स्ट्रक्चर बोला, उसका नाम देना है। किसको लिखना तो पड़ेगा। हाँ तो हेक्सीन लिख दिया ना, हेक्सीन वन नहीं लिखा। वन भी लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि वन है। ठीक है, अंशुल ने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये तो तुम्हें आता होगा, इतने सारे तुमने कर रखे हैं तो। ये नहीं बना, ये ऑनलाइन वाले टीचर ने होमवर्क दे दिया था क्या? तो होमवर्क दिया होगा इसलिए बना नहीं होगा। शब्दों का इस्तेमाल जरा तरीके से किया करो भाई। ये स्ट्रक्चर अंशुल ने जो बताया है, इसका नाम बताना है। सब लोग बनाओ जरा। ये डिजाइनर झोपड़ी है। चलो चलो भैया बनाओ। ये बताया नहीं है आपको, बाद में बताएंगे। ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है। ये एक दो दो रिंग बन गई ना, बाईसाइक्लो कंपाउंड। इसके रूल अलग हैं। हाँ, इसके लास्ट में बताएंगे। मैंने दो रिंग देखी नहीं ना। चलो 34 का नाम, चलो 4 ब्रोमो। 4 क्यों ले रहे हो? 1 2 3 4। हाँ 4 ही आएगा। इसका नाम बताइए। ऑनलाइन, ऑफलाइन ने बता दिया, ऑनलाइन बताएं। हाँ, डबल बॉन्ड को इंक्लूड कर दिया। डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए नाम लिख दिया। 4 पे क्या है? ब्रोमो। 6 पे क्या है? क्लोरो। साइक्लो हेक्सीन। 1 भी लिख सकते हैं, ना लिखे तो भी चलेगा। हाँ, जहां से शुरू हुआ था। क्या क्या कहा? हाँ, अलग वर्ड है। अरे 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 अरे, लग गई। अरे अरे, सुनो सुनो, दूसरी तरफ से फायदा ज्यादा मिल रहा है ना, फायदा देखना पड़ रहा है। अभी देखो, अभी हमने काउंटिंग यहां से करी थी ना, अब यहां से करो।
यही करी थी पहले भी यही करी थी। ये 3 पे आ रहा है क्लोरो, 1 पे इन आ रहा है, क्लास देखो, 1 पे इन, 3 पे क्लोरो, 5 पे ब्रोमो। ठीक है, अगर उस तरीके से कर रहे थे हम लोग, पहले कैसे किए थे हमने नंबरिंग? पहले हमने इसको कहां पे दिया था? इधर से की थी। तो किस पे आ रहा था? 1 पे, 4 पे और 6 पे, ये आ रहा था ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 और 6 10 हो जाएगा, और 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8। सब्स्टिट्यूएंट पास आ गए, तो क्या किया, अल्फाबेट की धज्जियां उड़ गई। लोएस्ट लोकेट रूल को क्या कर दिया? अच्छा ठीक है, लड़ने की बात नहीं है, हो जाता है भाई, हो जाता है। क्या क्या नहीं सहता, क्या सहना है? कौन? 3 क्लोरो। हाँ, यस यस, हाँ भैया, हमने हमने तो अल्फाबेट को छोड़ ही दिया बिल्कुल, अब ऐसा भी ना करें, है ना, थोड़ा सा तो अल्फाबेट को। चलो अब हम कहाँ से इरेज करें, मैम तो काट देती हैं, काट के इरेज कर देती हैं। हाँ? रॉन्ग मेथड कि कौन सा रॉन्ग मेथड था, कौन सा राइट? कॉकरोच इज बाई साइक्लो, इसके रूल्स अलग हैं, इसमें बीच, इसमें रिंग, कार्बन की रिंग गिननी पड़ती है, कितनी है इधर से, कितनी है इसमें, फिर और सब्स्टिट्यूएंट को अलग से लिखना पड़ेगा इसमें, ये कांटे जैसे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, इनको लिखना पड़ेगा, इनको लिखना पड़ेगा, इनको इनको। हो गए? अरे इतनी जल्दी खत्म हो गए? नहीं अभी वाले, चलो हो गए हो गए, फंक्शनल ग्रुप वाले आ गए, चलो चलो। पहले कंपाउंड में कौन सा ग्रुप दिखाई देता है आपको? फंक्शनल ग्रुप आ गए, ध्यान से, कुछ लोग एल्डिहाइड बोल रहे हैं, कौन सा ग्रुप है? पहला काम है फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप पहचानना, नाम तो उसके बाद लिखेंगे ना। चलो हेलाइड कहाँ दिख रहा है पहले कंपाउंड में? हेलोजन दिख रहा है कहीं पे? हेलाइड है, हेलोजन, हेलोजन बोले तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन दिखना चाहिए, कुछ दिख नहीं रहा, जबरदस्ती। किसी को आइडिया है? पहला कंपाउंड है कीटोन, कीटोन में क्या लिखना है? ओन। कीटोन में नाम क्या लिखना है? ओन। काउंटिंग का कोई चक्कर नहीं है, एक ही ग्रुप है, वो पहले पे ही आ जाएगा, तो काउंटिंग वाउंटिंग करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी कर दिया। नॉर्मल स्ट्रेट लाइन वाला होता था कीटोन, तो लिखते थे एल्केनोन, नाम क्या लिखते थे? एल्केनोन। यहाँ पे साइक्लो है, तो साइक्लो हेक्से नोन, क्लियर है बात? पहला वाला क्लियर हुआ ऑनलाइन?
चलो फिर दूसरा ट्राई करो, दूसरा इसी तरीके से है, बस 3 बार आ गया है। अच्छा हमेशा ध्यान रखा करो, कोई चीज अगर जितने टाइम्स आ रही है तो डाई ट्राई वो सब भी यूज किया करो नाम में। हिंट दे दिया मैंने, स्ट्रक्चर को देखो, हमें देख रहे हो लगातार, स्ट्रक्चर देखो वंश। क्या बदतमीजी है, मैं उससे बात कर रही हूँ, बीच में घुस रहे हैं जबरदस्ती। मैं किसी से बात कर रही हूँ, बीच में कोई नहीं बोलेगा क्या? काउंटिंग देखो कहाँ से फायदा मिल रहा है, कहीं से फायदे वाली चीज है क्या? देख लो, अगर कहीं फायदा नहीं है तो सेम ही आएगा सब में। को सब समझ में आ रहा है, 6 कार्बन है। छह कार्बन है, ओन है, कितने ओन है? हाँ सर, कुछ कुछ सही पहुंच गए आप लोग, ठीक है। जब डाई ट्राई आ जाता है ना तो क्या करते हैं, हेक्सेन को अलग करके लिख देते हैं और बाकी को अलग करके लिख देते हैं। ऐसे लिखेंगे, वन थ्री फाइव हो गया ना। साइक्लोहेक्सेन 1,3,5 ट्राई ओन, 3 ओन हो गए ना, तो उसकी पोजीशन भी बतानी पड़ी। हाँ उसकी पोजीशन भी बतानी पड़ी और उसका 3 टाइम्स आ रहा है वो भी बताना पड़ा आपको। हाँ इसमें मेन चेन आपको साइक्लोहेक्स को आपने पहले लिख दिया, हेक्स भी लिख सकते हैं, हेक्सेन ना लिखे तो भी चलेगा, साइक्लोहेक्स भी लिख सकते हैं। साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राईओन, हाँ डाई ट्राईओ तब एक साथ नहीं लिख पा रहे ना, नहीं तो वैसे हम लोग हेक्सेनोन लिख देते, डाई ट्राई हो गया तो अब उसमें हेक्सेनोन ट्राई ऐसे करके तो लिख नहीं सकते। वंश काम करो, डायन तो रात को ही आती है। हाँ ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। हाँ तीसरे वाले को ध्यान से देखिए, दोनों जगह पे कीटोनिक ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको, तो किसको प्रायोरिटी में लें, किस वाले को? है तो ये भी दोनों में वो लगा है भाई, वन मिथाइल, मिथाइल कहाँ से आ गया? फिर से फिर से फिर से रीट्राई रीट्राई। पहला सवाल ये है कि रिंग को प्रायोरिटी मेन मान रहे हो कि इसको मेन मान रहे हो? क्यों ज्यादा कार्बन है, 6 कार्बन है, ठीक है भैया, तो इसका नाम तो क्या होने वाला है, इसका नाम क्या होने वाला है? साइक्लोहेक्सेनोन। दोनों अलग अलग ओन है, ये रिंग पे लगा हुआ है, ये साइकिल पे लगा हुआ है, दोनों को मिलाएंगे नहीं, डाई ओन नहीं करना है, इसको अलग लिखना है, इसको अलग लिखना है। हाँ नहीं,
जी नहीं, ट्राई करते रहिए एकदम। प्रोपाइल टू ओन साइक्लो हेक्सेनोन। कुछ कुछ सही तक पहुंचे हैं, बस थोड़ी सी गलती है, थोड़ी सी। पीसी पीसी क्या होता है? अच्छा यही बोल दो, पीसी पीसी छोड़ो। चलो देखो, ये इसको मेन सेलेक्ट करना है आपने, और इसको क्या लेना है, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ठीक है भैया। अब देखो, ये जो सब्स्टिट्यूएंट अंकल थे, ये तीन कार्बन के थे, तीन कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट में तीन कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट में एक ओन भी आ गया। तीन कार्बन की चेन तो थी थी, इसमें बीच वाले कार्बन पे एक ओन भी आ गया, तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट के भी सब्स्टिट्यूएंट आ गए, दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए ना। ठीक है, ठीक। अब अगर ये नहीं होता, कभी भी अगर इस तरीके के सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, तो आप सबसे पहले क्या सोचो कि अगर सब्स्टिट्यूएंट को हटा दो तो नाम क्या होगा। इसको हटा दो, भूल जाओ, पहला वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसका नाम क्या था? साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, उनको कौन सी पोजीशन दी थी? वन दी थी, इसलिए यहाँ लिखी नहीं थी। ठीक, तो इसको पोजीशन कौन सी देनी है? वन। इसको पोजीशन कौन सी देनी है? वन। तो ये पोजीशन कौन सी बन गई? टू। टू के ऊपर लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, टू के ऊपर क्या लगा हुआ है? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, तो इसका नाम तो पता चल गया कि इसका नाम होने वाला है साइक्लो हेक्सेनोन। अब बात आती है किसकी? सब्स्टिट्यूएंट की। सब्स्टिट्यूएंट अगर हम देखें तो टू पे लगा हुआ है, 1 2 3। अगर हम बोलते हैं ऐसे तो प्रोपाइल हो जाता, प्रोपाइल हो जाता। ठीक है, लेकिन इस प्रोपाइल पे भी टू पे, ये टू पे लगा, फिर इसके टू पे, अगर इसको इंडिविजुअली काउंट करो आप, 1 2 3, तो इसके टू पे ओन लगा हुआ है। सब्स्टिट्यूएंट के भी सब्स्टिट्यूएंट किस पे लगे हुए हैं? इस पे लगे हुए हैं, टू पे लगे हुए हैं। तो नाम कैसे लिखेंगे इसका? इसका नाम लिखेंगे, पहले वाले टू को बाहर लिख देंगे जो इसको शो कर रहा है, फिर ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक, फिर अब इस सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है, इसके ऊपर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो पहले इसके सब्स्टिट्यूएंट को लिखा जाएगा, टू ऑक्सो प्रोपाइल। इसको हमने क्या लिख दिया? कीटोनिक ग्रुप को जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिखते थे तो ऑक्सो लिखते थे, तो इसको लिख दिया टू ऑक्सो प्रोपाइल। कीटो भी लिख सकते हैं, कीटो भी लिखते हैं, टू ऑक्सो प्रोपाइल, और इसका नाम साइक्लोहेक्सेनोन था। अब किसी के दिमाग में ये बात तो नहीं आ रही है कि 2 बार 2 क्यों आया? आ रही है तो पूछ लो, पता है ना कि एक तो पहला वाला जो टू है ब्रैकेट के पहले वाला, वो इसको बता रहा है, और दूसरा वाला टू किसको बता रहा है? इसकी टोनिक ग्रुप की पोजीशन। ठीक है, जब सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो पहले नंबरिंग लिखी जाती है, पोजीशन, फिर ब्रैकेट आ जाता है। ठीक है जी, फोर, चलो फोर पे आ जाओ। थ्री ऑक्सो ब्यूटाइल साइक्लोक्साइल कहाँ है? अच्छा, पर इसको ऑल क्यों लिखा है? लास्ट में गलत हो रहा है।
वो एक मत लिखो। जब क्लास क्लास सुनो, अब यहाँ पे देखो, अब जो फोर्थ वाला केस है इसको देखो ध्यान से। सबसे पहली चीज थी किसको मेन चेन ले, तो पहला प्रश्न हल हो गया आपका कि भाई ये 6 कार्बन है तो इसको लेंगे, है ना, मेन इसको मान लिया। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4 कार्बन है और उसी तरीके का कुछ केस है। ठीक, अगर इसको 1 पोजीशन दे दोगे COH को तो ये 2 और ये 3 पोजीशन पे आ जाएगा। इसका मतलब पहले जो नंबर आना है वो कौन सा आना है, 3 आना है। ठीक, 3 आना है नंबर, और फिर ये 1, 2, 3 अगर करो तो इसकी इस पोजीशन पे क्या हो गया, ऑक्सो ग्रुप आ गया। ठीक है, तो 3 पे ही ये भी है और 3 पे ही ऑक्सो है, फिर इसको क्या लिखोगे, ब्यूटाइल। ठीक, फिर उसके बाद लिखते हैं हम लोग साइक्लोहेक्सेनोन और साइक्लोहेक्सेन, और फिर उसके बाद हम जोड़ते क्या, ओइक एसिड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक रूल याद रखो कि जब COOH ग्रुप स्ट्रेट चेन में आता है, मतलब जब उसके कार्बन को हम काउंट करते हैं, यहाँ पे तो चेन ये रही और COOH ऊपर रहा, जब हमारे स्ट्रेट चेन के कंपाउंड होते थे ऐसे, तब हम इस COH को काउंटिंग में लेते थे। अभी हमने COH के कार्बन को काउंटिंग में थोड़ी लिया, ये बाहर है, रिंग के बाहर है, हमने रिंग को काउंट किया। अगर इसको काउंटिंग में लेते तो 7 कार्बन हो जाते, इसको नहीं, बाहर वाले को नहीं लेते काउंटिंग में। ठीक, तो अभी हमने इसको काउंट किया है, जब भी रिंग के ऊपर आएगा COH तो उसको लिखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ना कि ओइक एसिड। ओइक एसिड कब लिखेंगे, जब ऐसे आएगा, बाकी सही है। तो नाम लिख लिया जाए, नाम लिख लिया जाए, इसका मतलब आप देखो रूल्स में कितना वेरिएशन है। नाम क्या हो जाएगा इसका, साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो मेन नाम हो गया, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या लिख दें, 3 ब्रैकेट, फिर उसके बाद 3 ऑक्सो ब्यूटाइल, यही होगा ना, 3 ऑक्सो ब्यूटाइल, फिर साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं तो उसको पहले थोड़ी लिखते हैं, एल्केन, एल्केन में फंक्शनल ग्रुप क्या है, एन है, तो एन को बाद ही में तो लिखते हो, पहले हेक्स लिखते हो, पेंट लिखते हो, फिर एन लिखते हो ना, उसमें भी वैसे भी हेक्सेनोइक एसिड लिखते थे, हेक्सेन के बाद ही तो लिखते थे ओइक एसिड। नंबरिंग में पहले लेंगे, लिखते वक्त बाद में, दिस इज सफिक्स, ये सफिक्स है, सफिक्स बाद में लगता है, प्रीफिक्स पहले लगता है, सब्स्टिट्यूएंट इज प्रीफिक्स। यहाँ तक की बात क्लियर है, और जब रिंग वाला लिखो ना तो इसकी भी पोजीशन दे दो, इसको भी लिख लो 1, बहुत ही, इसको भी 1 लिख दो, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी भी पोजीशन बता दो, किसी की भी अगर पोजीशन आप बताते हो आदत डाल लो पोजीशन बता करके, तो अगर 1 भी है तो पोजीशन डाल दो, गलत नहीं होगा आंसर, क्योंकि 1 को हम लिखते नहीं है। ठीक है, हो गए, कितने हो गए, 17 तक जाना था ना अपने को, वो 17 से स्टार्ट हुआ था ना वो वाला बैक वाला, तो अभी हो गए अपने कितने, 4 हो गए ये वाले शुरू वाले। चलो फिफ्थ ट्राई कीजिए, कौन सा ग्रुप दिखाई दे रहा है,
अल्कोहल कह सकते हैं, अल्कोहल ही है, क्या कह सकते हैं, है ही अल्कोहल। चलो ऑल कुछ 6 बार नहीं करोगे, मैंने बताया था अभी क्या किया था हमने, ये वाले स्ट्रक्चर को इसको ट्राई ऑन किया था, 3 बार आ रहा है ना ट्राई, 6 बार आएगा तो हेक्स, हाँ एग्जॉल हो जाएगा। लिखो नाम, लिखो ये सबको आना चाहिए, 5वां सब लोग लिख के बताओ मुझे, सब लोग अपना अपना बताओ। अपना अपना बताइए सब लोग। वेरोनिका बोलिए, मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन? हाँ ट्राई कीजिए सब लोग। हाँ कुछ कुछ सही पर पहुंचे, कुछ कुछ थोड़ा और करेक्ट कीजिए। हाँ लिखना है, हाँ सही है। चलो मैं लिख दूँ, अपना अपना चेक कर लीजिए, लिख दूँ क्या लिखूं जो आप कहें, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन लिख दिया, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और ये स्मॉल लेटर्स में लिखिएगा, हेक्सॉल, हेक्सॉल हो गया ना। छ है ना, ट्राई हेक्स ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ पे भी हेक्सेनॉल मत लिख दीजिएगा, यहाँ पे आप हेक्सेन लिख चुके हैं। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन 1 2 3 4 5 6 सारी पोजीशन पे है ना, हेक्सो। चलो 7 को करो, 7 को, 7 7 पहले 7 करो, 7 उसी पैटर्न पे है ना, 6 में तो सब्स्टिट्यूएंट पे सब्स्टिट्यूएंट है। सीनियर कौन है, कीटोन है सीनियर, गुड। चलो एक बात तो याद है, सीनियर कीटोन है, तो अल्कोहल को क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट कैसे लिखते हैं अल्कोहल, सब्स्टिट्यूएंट, हाँ, अल्कोहल को सब्स्टिट्यूएंट की तरह दूसरा नाम लिखते हैं ना, अल्कोहल को सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिखते हैं हाइड्रोक्सी। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दो नंबरिंग के साथ और फिर उसके बाद मेन का नाम लिख दो। चलो लिखो, बनाओ बनाओ, इतना टफ नहीं है। 1 2 4 6 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन 1 3 5 7 सही है,
बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसको क्या दी, मेन ग्रुप को प्रायोरिटी दी, तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट कर दी। हमारे पास इतने सारे कलर हैं, क्यों हैं? कलर को यूज करेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करें, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दें। सब्स्टिट्यूएंट कितने, किस पे है, किधर से भी कर लो सेम बात आएगी। 2, 4 पे है और 6 पे है, ट्राई हाइड्रोक्सी। अब मेन ग्रुप को याद कर लो, 3 ओन लगे हुए हैं। ठीक है, तो साइक्लोहेक्स, साइक्लो हेक्सेन या हेक्स, और 1, 3, 5 पे क्या हो गया, ट्राई ओन। ठीक है जी, 1, 3, 5 पे ट्राई ओन। देखो हाइड्रोक्सी है, आपको ये समझ में आ गया कि कीटोन ग्रुप सीनियर है तो उसको हमको मेन मानना है, मेन ग्रुप। उसके अलावा जो फंक्शनल ग्रुप दूसरे होते हैं, अदर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे दो तरीके के ही ग्रुप दिख रहे हैं हमको, कीटोन दिख रहा है और एल्कोहल दिखाई दे रहा है। तो एल्कोहल को हम सब्स्टिट्यूएंट लेंगे क्योंकि वो जूनियर है, और कीटोन को क्या लेंगे, मेन ग्रुप। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, कीटोन से, मेन ग्रुप से। 1, 2, 3, 4, 5, 6 काउंटिंग कर दी। फिर नाम लिखने का तरीका ये है, जैसे अपने नेमिंग में पहले मेरा नाम आया वंदना, फिर उसके बाद फैमिली का नाम आता है, मतलब सिंह लास्ट में आता है ना। तो सिंह क्या है, मेन है, और वंदना क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, पहले लगाया गया। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखा जाता है, मेन नेम बाद में। तो सब्स्टिट्यूएंट 3 हाइड्रोक्सी है, तीनों की पोजीशन बता करके लिख दिया पहले, 2, 4, 6 ट्राई हाइड्रोक्सी। फिर उसके बाद मेन नाम लिखना है, तो मेन में 6 कार्बन की रिंग है, तो साइक्लोहेक्सेन लिख दिया। फिर आपको 3 ओन लिखने हैं, तो ट्राई ओन लिखा, लेकिन ट्राई ओन की पोजीशन बतानी पड़ेगी, तो पहले पोजीशन लिख दी, 1, 3, 5। OH से ओन से जूनियर है, कीटोन से जूनियर है, यह हाइड्रोक्सी ग्रुप कीटोन से जूनियर है, तो वो सब्स्टिट्यूएंट, जो जूनियर है वो सब्स्टिट्यूएंट बन गया, सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखा जाता है। ट्रायोन मेन है, ट्रायोन इज मेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बन चेन है, साइक्लोहेक्सेन इज अ पार्ट ऑफ मेन, मेन चेन है ना। तो एर्थ, एर्थ में देखो एक OH लगा हुआ, एक SH लगा हुआ है, और SH को हमने क्या बोला था, थायोल बोला था, ठीक है। लेकिन जो थायोल होता है वो अल्कोहल से जूनियर होता है, थायोल क्या होता है, अल्कोहल से जूनियर। तो मेन ग्रुप तो अल्कोहल मान लेंगे, ये 1, 2, 3, 4, इसीलिए काउंटिंग इधर से कर दी, ये मेन बन गया और ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, SH ग्रुप जो होता है, थायोल जो ग्रुप होता है, इसको लिखते हैं मरकैप्टो, क्या लिखते हैं, मरकैप्टो। तो लिख दो भैया, पहले क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो 3 पे मरकैप्टो आ गया और वैसे क्या है, ब्यूटेनॉल 2 दूसरे पे है ना, ओरिजिनल कंपाउंड क्या था अपना, ब्यूटेनॉल 2। ठीक है, SH था मरकेप्टो, मतलब SH बेसिकली थायोल था, थायो एल्कोहल था, लेकिन एल्कोहल से क्या है वो, जूनियर। तो एक ही सीनियर ग्रुप बन सकता है, बाकी सब क्या होंगे, जूनियर, कई जूनियर भी आ सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर हो चुकी है बात, अब ये जो अपना 6 है, 6 इसको ध्यान से देखना, इसको मैं आपको उसमें दे रही हूं,
कीवर्ड बता देती हूँ इसकी पहले से। काउंटिंग में आपको ध्यान देना है कि ऐसे काउंटिंग करें कि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिले, फिर ऐसे काउंटिंग करें कि OH ग्रुप आपको ज्यादा मिल जाए, फिर तीसरी चीज ध्यान रखें ऐसे काउंटिंग करें कि Cl ग्रुप ज्यादा से ज्यादा मिले। देखो Cl दो दिखाई दे रहा है, OH एक दो तीन दिख रहा है, ठीक है। कैसे भी काउंटिंग करोगे तो दो OH ही एक साथ ले पाओगे भाई, या तो ऐसे जाओगे या ऐसे जाओगे, ठीक है, या ऐसे जाओगे स्ट्रेट चेन, ऐसे वैसे कैसे भी तो नहीं घूम सकते ना, या तो ऐसे जाओगे, ठीक है। तो आपको हर तरफ से काउंटिंग करके देखना है किधर से सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा मिल रहे हैं, किधर से मेन फंक्शनल ग्रुप ज्यादा मिल गए, किधर से नंबरिंग पास आ रही है, ठीक है। तो सेम ही नहीं होगा, जब काउंट करोगे तो पता लगेगा हर तरफ से अलग अलग आएगा, जिधर से हर तरफ से फायदा होगा उधर से काउंटिंग होगी। तो ये आपका क्या है, होमवर्क क्वेश्चन। कुछ और आगे आपके पीडीएफ में है, ये भी होमवर्क क्वेश्चन है, अमीन के हैं, अमीन आपको सिखाया हुआ है, तो आई होप आप कर लेंगे। और ये नहीं आएंगे तो मैं बताऊंगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें डले हुए हैं, आप करके देखिएगा, फिर नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास होती है ऑफ, बाय बाय बच्चों।